हे गाइस, मैं हूँ कृति एंड मेरे साथ है त्रिशा, मेरी कलीग, एंड हम लोग खड़े हैं टी बोट पे और अभी जाने वाले हैं टी रूम में फॉर हैविंग अ कप ऑफ टी. एंड गुडरिक्स टी पॉट वेलकम्स यू टू द टी रूम. एंड गाइस, नुक्कड़ की चाय तो हम लोगों ने बहुत पी होगी, चाहे वो ऑफिस गोअर्स हों या स्टूडेंट्स, बट एक टी रूम में जाकर के टी को इन्जॉय करना, उस एम्बियंस को इन्जॉय करना और टाइम स्पेंड करना, वो भी इनडेफिनेट टाइम. गाइस, आपको वहाँ पे कोई टोकता नहीं है कि आप कितने देर वहाँ बैठ करके चाय पी रहे हो. सो टू इन्जॉय ऑल दैट, वी वेंट टू द टी रूम विच इज़ लोकेटेड इनसाइड टी बोट, एंड ये हम लोगों के ऑफिस के पास में है. सो वी गॉट अ चांस टू गो देयर. एंड आई मस्ट टेल यू कि ये वीडियो मैंने शूट किया था इन जनवरी, एंड वी ऑल नो कि उसके बाद क्या सिचुएशन आ गई, पैंडमिक, लॉकडाउन, एंड अभी तो हम लोग मास्क के अंदर छुपे रहते हैं. सो ये वीडियो को लाइव आने में काफ़ी टाइम लग गया, बट नेवर द लेस हियर आई एम शोइंग यू द टी रूम. एंड गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है टी रूम्स का, ये बेसिकली फॉरेन कंट्रीज़ हों जैसे ब्रिटेन, जापान, वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है. एंड अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो यहाँ पे नुक्कड़ की चाय एंड कैफ़ेज़ में जा के टाइम स्पेंड करना काफ़ी पॉपुलर है, बट वी गॉट अ चांस टू स्पेंड आर टाइम एंड हैव अ कप ऑफ टी इनसाइड टी रूम. एंड जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर डिस्प्लेड है टाइप्स ऑफ टी इन फुल डिटेल, कि ब्लैक टी कैसा होता है, ग्रीन टी कैसा होता है, वाइट टी क्या होता है. एंड आई स्पेंट होल टाइम रीडिंग ऑल दिस. गाइस, मैं जस्ट ये शूट नहीं कर रही थी, मैं इसके साथ ये पढ़ भी रही थी और समझ भी रही थी द कॉन्सेप्ट ऑफ टी कलर्स. एंड आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो भी इन लोगों के सर्टिफिकेशंस एंड अवार्ड्स हैं वो यहाँ पे लगा के इन लोगों ने डिस्प्ले में रखे हैं. एंड जो सबसे बड़ी बात है वो है यहाँ पे भीड़ की कमी. यहाँ पे एट ए टाइम भीड़ ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ऑफिस वाले लोग जब आ रहे हैं तो कुछ ही लोगों को टाइम मिल रहा है, और ये हूँ मैं, मुझे भी टाइम मिला तो मैं यहाँ चाय पीने आ गई हूँ. एंड चाय के साथ मैं कुछ डेफिनेटली खाने के लिए भी ऑर्डर करूँगी. एंड यहाँ पे आइकॉनिक टी गार्डन्स के बारे में भी लिखा हुआ है, विच इज़ द फेमस दार्जिलिंग टी गार्डन्स. एंड गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइव प्लांट्स इन लोगों ने लगा रखे हैं, विच मेक्स द एटमोसफेयर जस्ट वाव. एंड जो ग्लासेस हैं उससे बाहर से काफ़ी अच्छी धूप आ रही है, जो कि ठंड में इट वॉज लाइक यहाँ पे आपको अच्छे से एक ऑसम एम्बियंस के अंदर बैठ करके धूप का मज़ा लेना है, साथ में चाय पीना है, नाश्ता करना है एंड वापस काम को चले जाना है. एंड वी प्रोड्यूस द फाइनेस्ट टीज, इस तरह से यहाँ पे काफ़ी सारे बैनर्स लगे हैं. इट वॉज जस्ट लवली रीडिंग दैम. एंड यू कैन बाय टीज फ्रॉम हियर गाइज. यहाँ पे गुडरिक के जो भी वेराइटीज़ हैं, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, ये सब यू कैन बाय फ्रॉम हियर एंड यू कैन ट्राई इट योर सेल्फ एट योर होम. एंड हर चाय का अलग फ्लेवर है, आप उनसे इवन टेस्ट भी कर सकते हो बिफोर बाइंग, एंड आपको ये फ्लेवर का पूरा बताएंगे डिटेल्स एंड यू कैन बाय. एंड आई डोंट नो इफ़ यू नोटिस हैंडल, आपने ग्लास डोर का नोटिस किया कि नहीं गाइज, बट इट्स इन द शेप ऑफ टी पॉट एंड दैट वॉज वेरी अमेजिंग. एंड हेयर इज द मेन्यू, एंड दिस होल मेन्यू हैज टी 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 टी, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ टी. एंड जो प्राइसेज हैं वो थोड़े हायर रेंज में हैं, जैसे कि एक पॉट ऑफ टी का प्राइस स्टार्ट होता है 300 रुपीज़ से एंड इट गोज टिल 900 और 1000 रुपीज़. एंड फॉर इंफॉर्मेशन मैं एक चीज़ बताऊँगी कि द टी आई हैड वो सर्व्ड फ्री, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ जाके टी ऑर्डर नहीं किया था, वी जस्ट ऑर्डर्ड सम फूड टू हैव, दे कॉम्प्लीमेंट्री गेव अस द टी.
as this is tea room and we were lucky to have a pot of tea. And just see the varieties. You can order half pot also, to uska 50% ho jata hai price. And I love this menu, so colorful. And isme jo images bane hue hain wo mujhe kafi attract kar rahe hain. And all these detailed names with description of teas. And yahan par padh ke aap purchase bhi kar sakte ho tea, kyunki isme itne acche se describe kar rakha hai inhone. एंड जो ट्राई कर रहे हो, जो टेस्ट कर रहे हो, फिर आप उसे आराम से परचेज भी कर सकते हो. सो हेयर कम्स द मील्स जो मुझे ऑर्डर करना है. लेट मी फाइंड कि मैं क्या ऑर्डर करूँगी. कुछ मीठा एंड कुछ नमकीन, एंड टी तो कॉम्प्लीमेंट्री आ ही रहा है. सो वी हैव डिसाइडेड. Yes, we have decided to have a tea cake and a grilled chicken. So, ye ho gayi menu ki baat. And ab main ise band karungi. And there is another menu also, jo ki hai usme aise jo is menu ke andar nahi hai. वो उसमें मेंशन कर लगा रखा है इन लोगों ने, जो कि खाने पीने की चीज़ें हैं. सो वो भी हम लोग थोड़ा चेक करेंगे एंड देन वेट करेंगे अपने पॉट ऑफ टी एंड जो भी हमने ऑर्डर किया है उसका. वाओ, इफ वी रिव्यू देम ऑन गूगल और जोमैटो वी विल गेट 10% ऑफ. It's a wow offer. And the timings is from 11 a.m. to 10:30 p.m. as displayed. ये कंफर्टेबल काउच एंड ये खाली माहौल वाज जस्ट लाइक अमेजिंग. एंड हर टेबल पे इन लोगों ने लाइव प्लांट्स रखे हैं. एंड इनके जो प्लांट्स वो लाइव इसलिए हैं मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्लास विंडोज से धूप आ रही है. एंड हमारा टी पॉट जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है वो आ चुका है. एंड वी वर क्वाइट हैप्पी जब इन लोगों ने हमें a free pot of tea offer kiya, and it was like just wow. Matlab ye jo bhi 200-300 ka tea pot hume complimentary mila hai. I like that channi, the way he is using that channi and then pouring the tea. It's nice. They have given extra sugar, white sugar and brown sugar. We can add them as per our requirement. आप चीनी ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते. But I'll have, so मैं डालूंगी इसमें चीनी, इसे मिक्स करूंगी एंड फिर टेस्ट करूंगी. इसमें से जो खुशबू आ रही है गाइस, I just can't explain. It's so very very nice. And let me taste it and then I will decide कि मुझे ये वाली चाय खरीदनी है या नहीं. ये मेरे खाने पीने का सामान जो मैं चाय के साथ टी केक एंड चिकन खाने वाली हूँ. एंड
एंड हियर आई एम पोजिंग फॉर अ फोटो, बट त्रिशा जी ने वीडियो ले लिया. शी डिडंट टेक द फोटो. एक्चुअली आई हैड टू फोकस ऑन दैट हैंडल एंड मैं फोटो के लिए पोज कर रही थी. इट वॉज सो वेरी फनी जो मैंने बाद में देखा कि शी टुक अ वीडियो. एंड हियर आई एम चेकिंग आउट द मैगजीन्स एंड द बुक्स दे हैव केप्ट फॉर रीडिंग. एंड मुझे यहाँ भी बोथ बुक्स दिखे, कुछ स्टोरी बुक्स, कुछ नॉवेल्स. वी कैन हैव अ लुक एट देम, वी कैन सिट एंड रीड देम. गाइज वी कैन नॉट टेक इट आउटसाइड. एंड ये है इनका बिल देने का तरीका, विच वॉज सो वेरी ऑसम. एंड ये फाइनली मुझे मिला ये एक रिव्यू काइंड ऑफ लिखने के लिए एंड अपना एक्सपीरियंस लिखने के लिए ये डायरी. एंड आई एम गोना राइट माय एक्सपीरियंस, माय व्यूज, माय रिव्यूज, व्हाट आई लाइक, व्हाट आई डिसलाइक. लुकिंग फॉर वेयर इट इज, हाउ विल आई राइट. ये थोड़ा फनी सीन हो गया था, मुझे पेन मांगना पड़ा था एट लास्ट. सो वेटिंग फॉर द पेन, लेट इट अराइव एंड देन मैं लिखूंगी अपने एक्सपीरियंस. ये तो ज़रूर लिखूंगी कि इन्होंने पेन नहीं दिया था. जस्ट किडिंग, बट आई लाइक्ड एवरीथिंग, द एम्बियंस, द टी केक, द चिकन, आई लाइक्ड एवरीथिंग. एंड जितना मुझे वेट करना पड़ा उतने देर मैंने अपना वीडियो शूट कर लिया, मैंने बुक्स को चेक कर लिया. यू कैन स्पेंड अ लॉट मेनी आवर्स हियर इफ़ यू हैव टाइम, बट मेरा लंच टाइम फिनिश हो रहा था तो मैंने बस चाय पिया एंड थोड़ा बहुत खाया एंड वापस अपने काम को जाने वाली हूँ. जस्ट बिफोर दैट मैं ये कम्प्लीट कर लूँ, अपना रिमार्क्स दे दूँ, अपने व्यूज़ दे दूँ एंड फिर दोबारा इधर ज़रूर आऊँगी. लेट्स सी कब आती हूँ. एंड गाइस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट इट, टू कम एंड चेक आउट दिस टी रूम विच इज़ लोकेटेड इन साइड टी बोट एंड लोकेशन इज़ ऑल्सो टी बोट. यू कैन कम हियर, यू कैन एक्सप्लोर द प्लेस. नुक्कड़ पे चाय तो पीते ही होंगे गाइस, एक बार टी रूम में भी आके ट्राई कर लो. एंड मैं मिलूंगी आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में. एंड उसके पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. एंड इसी तरह से मैं जाती हूँ वापस. सी यू, बाय बाय.